नमस्कार, नया लुक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए पंचायत चुनाव गलफांस बनता जा रहा है। शिक्षक कोरोना से शिक्षकों के मौत का मामला अब सरकार के लिए बड़ी बात होती जा रही है। धीरे धीरे ये सुगबुगाहट अब पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर जगह ये चिंगारी सुलगने को तैयार है। शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ के आरपी मिश्रा कहते हैं, आरपी मिश्रा और उनके साथी सहयोगी डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा कहते हैं कि इस बार चुनाव के दौरान कोरोना से करीब 1600 शिक्षकों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने जो रिलीज जारी किया उसमें मात्र 3 शिक्षकों की मौत को बताया गया है। मामला यही नहीं थम रहा है। कांग्रेस के अंशु दीक्षित और सपा के अनुराग भदौरिया ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या शिक्षकों का जीवन महत्वपूर्ण नहीं था? 2000 से ज्यादा शिक्षकों ने सरकार की गलती से अपने प्राणों की आहुति दे दी, सिर्फ इस जिद में कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराने की जिद की और कोरोना गांव गांव पहुंच गया। यदि वो शिक्षक अपने घर में रहते तो निश्चित तौर से उनकी जान बच सकती थी। तो इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार है, और आज सरकार मुआवजा देने से बच रही है, उसमें भी आंकड़ेबाजी कर रही है। 2000 से ज्यादा शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई है। जिलाधिकारियों ने यदि अगर रिपोर्ट नहीं दी तो क्या इसका मतलब ये कि उन शिक्षकों की मौत जाया जाएगी? सच्चाई ये है, यदि शिक्षक बाहर ना निकलते, चुनाव कराने ना जाते तो उनकी जान बच सकती थी। सरकार का ये बिल्कुल कुतर्क है कि यदि या तो मौके पर मौत हुई हो या रास्ते में हुई हो। क्या यदि आने के बाद 15 दिन बाद अगर कोरोना से मौत हुई तो वो कोरोना उनको उस चुनाव के दौरान नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि आप इतनी निर्दयता, इतनी संवेदनहीनता मत दर्शाइए। जो भी 2000 से ज़्यादा शिक्षक जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, प्राणों की आहुति दी है इस लोकतंत्र के लिए, उनको मुआवजा दीजिए ताकि उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके और उनका परिवार सकुशल चल सके। कमाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हवाई दौरा कर रहे हैं, हवा में ही बातें हो रही हैं, हवा में ही समस्या का समाधान हो रहा है, सब कुछ हवा में है, और फिर हवा में उड़ जाते हैं, फिर सब हवा हवाई हो जाता है, धरातल पे ढक के 3-5, कोई मदद नहीं हो रही है। इसीलिए हाई कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों में लोग राम भरोसे जी रहे हैं, मतलब न वहां हॉस्पिटल की व्यवस्था है, न मेडिकल की व्यवस्था है, न दवा की व्यवस्था है, सब कुछ वहां पे राम भरोसे चल रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने राज्य निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए ये जरूर बताया है कि कौन किसे मिल सकता है मुआवजा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के समय ड्यूटीरत शिक्षकों की मृत्यु की संख्या को लेकर जिस प्रकार से मीडिया और विपक्षी दलों द्वारा अतिरंजित खबरें प्रस्तुत की गई, एक भ्रम और अनिश्चय की स्थिति पैदा की गई। उसके सबसे बड़े कारण राज्य निर्वाचन आयोग की वह गाइडलाइन जिसके तहत वही व्यक्ति अनुदान का पात्र होगा जो घर से ड्यूटी और ड्यूटी से घर आने के बीच में उसके साथ कोई दुर्घटना होती है या उसकी मृत्यु होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी बड़ी संख्या में अध्यापक कर्मचारी जो कोरोना काल में ड्यूटी किए और बाद में उनकी मौत हो गई, उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना को प्रदर्शित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को यह निर्देशित किया है कि वह राज्य निर्वाचन आयोग से बातचीत कर इस गाइडलाइन को शिथिल करें और जिन लोगों ने भी चुनाव की ड्यूटी की है और कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी मृत्यु हुई है उन्हें भी पूरा लाभ, उनके परिवार को अनुदान और अन्य सरकारी सहायताएं उपलब्ध कराई जाएं। शिक्षकों का मामला छोटा मामला नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले शिक्षा मित्र मिलके किसी भी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की क्षमता रखते हैं। अब ऊपर से शिक्षक अनुदेशक भी शामिल हो गए। कहीं माध्यमिक शिक्षा संघ और बेसिक शिक्षा संघ, यानी कि दोनों शिक्षक एक साथ हो गए तो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होगी। कुछ शिक्षक संगठनों के द्वारा और उसके आधार पर विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा जो लगातार एक गलत सूचना दी जा रही है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के 1600 कुछ शिक्षकों की मृत्यु हुई है, यह आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, निराधार है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है।
हमारी उन शिक्षकों के प्रति संवेदना है और उनके आश्रितों को सरकार नौकरी भी देगी और 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश देवी जी चाहे जो कहें, सरकार की तरफ से चाहे जो सफाई आए, लेकिन यदि शिक्षकों की मौत हुई है तो उस पर सरकार को चेतना पड़ेगा। क्यों? इस समय यह लग रहा है कि कौन सच्चा कौन झूठा। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी कहते हैं कि मात्र 3 की मौत हुई, वहीं रायबरेली की विधायक अदिति सिंह पत्र लिखती हैं, बाकायदा पत्र लिखती हैं और कहती हैं कि रायबरेली से 52 शिक्षकों की मौत हुई है। वहीं शिक्षक संघ कहता है 1600 शिक्षकों की मौत हुई है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने पंचायत निर्वाचन में कुल 3 शिक्षकों की मौत का दावा किया था। आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को निर्देश दिया है कि वो निर्वाचन आयोग से संपर्क कर कोरोना जैसी स्थिति के लिए भी मुआवजे तथा अन्य देय लाभों का के लिए संशोधन करवाएं। ये बड़ी एक जटिल प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया है, ब्यूरोक्रेट्स इतनी आसानी से इसको करेंगे इसमें संदेह है। और जो जो जिनकी मौत हुई है वो शिक्षा मित्र भी है, मानदेय वाले शिक्षक कर्मचारी हैं, उनके लिए तत्काल मुख्यमंत्री को घोषणा करनी चाहिए। शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जो प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से पहले 609 की और बाद में 1621 शिक्षकों की सूची सौंपी गई। हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष माननीय हेम सिंह पुंडेर, माध्यमिक शिक्षक की ओर से भी लगभग 200 शिक्षकों की सूची सौंपी जा चुकी है। 27 जनपदों की बाकी जनपदों की लगभग 300 शिक्षकों की सूची शीघ्र ही सौंपी जाएगी। इन शिक्षकों के लिए 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, जैसा माननीय उच्च न्यायालय कहा, यह हमारी मांग है। इसी के साथ मृतक आश्रित को नौकरी दी जाए, अगर उससे शिक्षक योग्यता पूरी नहीं तो उसको शिथिल करते हुए नौकरी दी जाए। जो नवीन पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षक हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाए, उनके आश्रितों को उनके NPS खाते में जितनी भी धनराशि जमा है वापस किया जाए। अगर 60 साल से कम आयु में कोई शिक्षक की मौत हुई है तो ग्रेच्युटी का उनको लाभ दिया जाए नियमानुसार जैसा दिया जाता है। और इसके बीच में जो कोरोना संक्रमण से जो उनके खर्च व्यय हुआ है उस व्यय को भी सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करे, ये हमारी मांग है। कौन सच्चा कौन झूठा ये तय नहीं हो पा रहा है, तय तो करेगी सरकार, लेकिन यदि ये संख्या और मुआवजा में कमी हुई तो अगली सरकार के लिए